क्या वेगा पंक अभी सच में वन पीस के वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाला रिवील करने वाला है? तो देखो, वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर के एंडिंग में वेगा पंक सबसे बोलता है कि मैं तुम लोग को इस वर्ल्ड के बारे में कोई ट्रुथ बताने वाला हूँ, जिसका पता चलने के बाद में तुम लोग को शॉक भी लग सकता है। तो ऐसा कौन सा ट्रुथ भाई वेगा पंक भाई साहब हम सबको बताने वाला है? तो होने के लिए ये सच्चाई तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वेगा पंक ने यहाँ पर वर्ल्ड को मेंशन करा है, तो यहाँ पर वन पीस के वर्ल्ड के बारे में कोई सच्चाई रहेगी? लाइक वेगा पंक यहाँ पर ये भी बोल सकता है कि वन पीस के वर्ल्ड का असलियत में कोई रूलर भी है जो कि ये ईमू, या ऐसा भी हो सकता है कि फाइनली हमको वेगा पंक वाइल्ड सेंचुरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि हमको वन पीस के एंशिएंट किंगडम के बारे में या वाइल्ड सेंचुरी के बारे में कोई भी चीज अभी तक पता नहीं चली है। यहाँ पर और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकल के आती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भाई अपने ओडा सेंस से अपनी उम्मीदों के ऊपर पानी ना फिर दे। लाइक वेगा पंक सब चीजें बताने वाला ही होगा कि भाई उसका भी डी एंड हो जाए, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। चैप्टर के स्टार्टिंग में अपनी कैराबो भाई साहब कैटरीना को मना रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके ब्लैकबेर्ड के पास में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे पास में ऐसी कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है जो कि ब्लैकबेर्ड के बहुत ज्यादा काम आ सकती है। तो यहाँ पर हमको तो पता है कि भाई कैराबो को दो एंशिएंट वेपन के बारे में पता है जो कि वो ब्लैकबेर्ड को बताना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कैराबो की बात सुन के कैटरीना और अपने स्नाइपर भाई साहब उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट कर रहे थे, जो कि ऑब्वियस ही है। लेकिन इस वाले चैप्टर के अंदर हमको ये नहीं दिखाया गया कि कैराबो भाई कैटरीना को मनवाने के लिए सक्सेसफुल होता है। आगे चलकर हमको एगेड के ऊपर जितने सारे वाइस एडमिरल है उन सभी के नाम रिवील करे जाते हैं, लेकिन इस टाइम सारे के सारे मरीन्स की हालत काफी ज्यादा बुरी हो रही थी, क्योंकि जो सारे के सारे पैसा पिस्टास है उनके ऊपर मरीन्स के कैनन बॉल्स का कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके पास में बबल शील्ड थी। और इसीलिए जो डोबरमैन वाइस एडमिरल है, पता नहीं इसका नाम मैंने सही से लिया या नहीं लिया है, ये बंदा सारे के सारे मरीन्स को ऑर्डर दे देता है कि सबसे पहले जाके बोनी को मार दो, तभी जाके सारे के सारे पैसा पिस्टास रोक पाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल सारे के सारे पैसा पिस्टास को कंट्रोल करने की ऑर्डर अथॉरिटी भाई अपने बोनी के पास में है। अगर वो यहाँ पर मर जाती तो अपने आप ही सारे के सारे पैसा पिस्टास का कंट्रोल सैटर्न के पास में चला जाएगा। और उन्हीं में से ही तोशा नाम का एक वाइस एडमिरल है जो फ्रेंकी के ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर डोरी और बोगी आ जाते हैं और उस वाले वाइस एडमिरल को एक ही पंच के अंदर जमीन के अंदर धसा देते हैं। यहाँ पर बोनी डोरी और बोगी को बोलती है कि अभी भी लूफी सांजी और वेगा पंक जो है वो एगेड के एकदम सेंटर में फंसे पड़े हैं, हो सके तो तुम लोग जाके उनकी मदद करो। यहाँ पर डोरी बोलता है कि वेगा पंक शायद से ये वही होगा जिसके बारे में हमको स्कॉलर बता रहा था। स्कॉलर मतलब यहाँ पर बात हो रही है अपनी प्रोफेसर क्लोवर की, शायद से उन्हीं ने उनको बताया होगा कि एगेड के ऊपर जाओ और लूफी और उनके क्रू को बचाओ। और वही पर ही डोरी और बोगी जो है वो फ्रैंकी और बोनी के ग्रुप को किसी एक जायंट वॉरियर के साथ में उनके शिप की तरफ जाने के लिए भेज देते हैं और वो लोग वेगा पंक सांजी और लूफी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद में हमको सीधा लूफी और उसका ग्रुप दिखाया जाता है, जहाँ पर वेगा पंक सांजी को मना कर रहा होता है कि मुझे यहाँ से मत निकालो। वो सांजी को बोलता है कि एगेड के ऊपर ऐसी कोई चीज है जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, शायद से वो चीज मदर फ्लेम हो सकती है या वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या अपना जायंट एंशिएंट रोबोट भी हो सकता है। वेगा पंक यहाँ पर लूफी से बोल रहा होता है कि तुम बोनी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि अभी फिलहाल बोनी के पास में सारे के सारे पैसा पिस्टास की कंट्रोल अथॉरिटी आ चुकी है। उसके बारे में वेगा पंक उसको काफी ज्यादा लेट में बताने वाला था जब बोनी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती, लेकिन अभी जब सबको बोनी के अथॉरिटी के बारे में पता चल चुका है तो हर कोई उसको हंट करने का ट्राई करेगा। इसका मतलब यहाँ पर आप समझ ही रहे होंगे कि बोनी जो है वो लूफी के क्रू के नेक्स्ट मेंबर होने वाली है। यहाँ पर अभी तक सैटर्न जो है वो पूरा का पूरा रिकवर हो चुका है और वो अपने पता नहीं भाई 100% पूरे के पूरे क्रीचर फॉर्म के अंदर जा चुका है। इस वाले फॉर्म के अंदर उसके पास में कोई भी हाथ नहीं है, यहाँ पर उसके सारे के सारे टेंटिकल्स है, मतलब सारे के सारे लेग्स है। यहाँ पर सैटर्न अपने पॉइजनस लेग से लूफी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लूफी हंसते हंसते सारे अटैक को डॉज कर देता है। यहाँ पर सांजी जो है वो वेगा पंक के मना करने के बावजूद भी वेगा पंक को कैरी करके वहां से जा रहा होता है, लेकिन तभी पता नहीं किधर कहां से आता है भाई सांजी को एक किक मार देता है और इसी वजह से वेगा पंक जो है वो सांजी के हाथ से गिर जाता है। तभी किजारू भाई अपनी लाइटनिंग सॉर्ड से वेगा पंक को भाई और एक स्टैब कर देता है। यहाँ पर इसको देखने के बाद में लूफी जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने जायंट फॉर्म के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो सांजी को बोलता है कि तू वेगा पंक को पकड़ के यहाँ से निकल, इन दोनों को मैं संभाल लेता हूँ। लूफी लिटरली अपने जायंट फॉर्म के अंदर एक हाथ से वेगा पंक और एक हाथ से किजारू को संभाल रहा होता है। और इस टाइम पहली बार भाई लूफी अपने गियर 5 के अंदर थोड़ा सा सीरियस मोड के अंदर हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है कि लूफी अभी किजारू और सैटन के साथ में 1v2 करने वाला है। सांजी इसके बाद में वेगा पंक को उठा के बैटल से काफी ज्यादा दूर चला जाता है, जहाँ पर लूफी जो है हमको बैकग्राउंड में देखने को मिलता है। यहाँ पर इस टाइम वेगा पंक काफी ज्यादा घायल हो चुका था, लगभग वो अपने मरने के कगार पे था, फिर भी उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल थी, जहाँ पर उसको देखने के बाद में सांजी वेगा पंक से बोलता है कि भाई तू मर तो नहीं गया और तेरे चेहरे के ऊपर एक स्माइल क्यों है। उसके बाद ही सीन कट होता है, हमको वेगा पंक जो है वो एक बहुत बड़ी वाली स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ पर वेगा पंक हलो हलो बोलता है। वहाँ पर वो बोलता है कि मैं डॉक्टर वेगा पंक बात कर रहा हूँ और मुझे तुम लोगों को इस वर्ल्ड के
बारे में कोई ट्रुथ बताना है जिसको सुनने के बाद में तुम लोग शॉक भी हो सकते हो। और असलियत में डॉक्टर वेगापंक कौन से वाले ट्रुथ के बारे में बात कर रहा है ये तो हमको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही पता चलेगा। और नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, इसका मतलब हमको जल्दी पता चल जाएगा कि भाई डॉक्टर वेगापंक क्या रिवील करने वाला है। तो होपफुली गाइज आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो चलो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।